चंडीगढ़ में नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अलग अलग सेक्टर में मेयर रविकांत शर्मा खुद दौरा कर रहे हैं। इसके तहत मेयर द्वारा आज सेक्टर 29 में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान एरिया पार्षद शक्ति प्रकाश देव शाली भी मौजूद रहे, जिन्होंने मार्केट और बूथ मार्केट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को अपने आसपास सफाई रखने की अपील की। इस दौरान मेयर ने अपने अधिकारियों की क्लास भी ली और साथ ही कहा कि जो लोग शहर में स्वच्छता के साथ खिलवाड़ करते हैं, पहले उन्हें समझाया जाए और फिर उनके चालान काटे जाएं। देखिए 20 मई से और 15 जून तक का एक स्वच्छता अभियान पूरे शहर में रखा गया है। उसके तहत आज वार्ड नंबर 20 में सेक्टर 29 में ये सफाई अभियान चल रहा है और इसमें हम देख रहे थे कि ये जो अपनी एक यहाँ पे गवर्नमेंट के क्वार्टर्स है वहाँ पे उस एरिए में जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है वहाँ पे तो ये बुरी हालत है कि खाली पड़े हैं 100-150 मकान और उनके झाड़ और सब बुरी तरह से हालत है। और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के जो चीफ इंजीनियर है उनको भी फ़ोन करा कि आप कम से कम अपनी व्यवस्था तो ठीक करिए। कॉर्पोरेशन लगा हुआ है पूरे शहर के लिए, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, हम डोर टू डोर जा रहे हैं, हर शॉप पर जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि कम से कम अपनी दुकान की, अपने बाहर की, घर के बाहर की इतनी सफाई रखिए, बाकी का ध्यान जो है कॉर्पोरेशन रखेगा। तो लोगों में बड़ा उत्साह है इस तरह से ये आज 29 में जो स्वच्छता अभियान की। यहाँ पे ये एक रोड गली है हमारी, रोड गली बेसिकली रोड गली में जो बरसाती पानी है जो होता है उसको उसके लिए वो बनी है ताकि पानी मार्केटों में ना रुके। तो उसमें मैं देख रहा था वहाँ पे कोई कहते हैं जी कोई रेडी वाला खड़ा होता है, आज तो नहीं खड़ा था, मगर उसने वो पूरा गंद डाला हुआ, वो पूरा सामान जो है वो अपना गंद जो है वो उसमें रोड गली में डालता है जिससे बंद होती है। तो मैंने इनको पब्लिक हेल्थ वालों को भी और MOH विंग को भी इनको बोला है कि अगर कोई ऐसा बंदा ऐसा काम करता है उसका चलान करो, हमारे पास प्रोविज़न है, एक बार दो बार नहीं हटता तीसरी बार उसकी दुकान का नोटिस दो, उसका अपना सीवर और उसका पानी का कनेक्शन काट के, तो अपने आप वो व्यक्ति उस रूल को फॉलो करता है। ये कमियां दूर करने के लिए मेयर साहब ने खुद मौके पर सारे अफसरों को दिशा निर्देश दिए और हमारे अफसर सब काबिल लोग हैं, बहुत जल्दी समस्या दूर होगी। गौरतलब है कि ये स्वच्छता अभियान 20 मई से शुरू होकर 15 जून में जाकर समाप्त होगा। इस दौरान वे अलग अलग रैलियों के दौरा कर लोगों से भी अपने आसपास सफाई रखने की अपील करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।